राष्ट्रीय केमल फेस्टिवल उत्सव शुरू होने जा रहा है और यह उत्सव 9 जनवरी से 13 जनवरी के मध्य में शुरू होने वाला है और हर बार ये मेला 2 दिवसीय होता है, लेकिन अब की बार ये मेला 4 दिवसीय के लिए लगाया जाएगा। वहीं बीकानेर पर्यटन विभाग इस बार बीकानेर शहर की आमजन की भागीदारी निभाने के लिए पीले चावल बांटने का कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस उत्सव में देश विदेश के प्रसिद्ध टूर ऑपरेशन भी शामिल होंगे। जिला पर्यटन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि टूर ऑपरेटर के अलावा विदेशों से भी पर्यटक इस मेले को देखने के लिए पहुंचेंगे। वहीं बीकानेर में इस बार सूर सागर में भी एक शानदार सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं हमारे संवाददाता के सिंह ने मेले को लेकर खास इसका जायजा लिया है। फेस्टिवल शुरू होने की तैयारी है और उसी के पीले चावल आज यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ पर एक तरह से आज आगाज कर रहे हैं कैमल फेस्टिवल का। और हम बात करेंगे यहाँ पर्यटन विभाग के अधिकारी का, पुष्पेंद्र जी क्या है कार्यक्रम, किस तरह से और आज क्या हुआ है? 27वें कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और इसको भव्य रूप देते हुए इस बार हमने 5 दिवस का ये आयोजन करवा रहे हैं हम 9 से लेकर 13 तारीख तक, जिसके लिए इस उत्सव को जन जन का उत्सव बनाया जाए। इसके लिए आम लोगों को बीकानेर के जो पुराने शहर के लोग हैं, यहाँ की कला संस्कृति सभ्यता उनको जोड़ने के लिए आज हम पीले चावल बांट रहे हैं और उत्सव में के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो बांटने का क्या, पीले चावल बांटने का ये है, राजस्थान में जो प्रथा है कि पीले चावल दे के आमंत्रित किया जाता है, तो उस प्रथा के हिसाब से हम जो बीकानेर की संस्कृति है उनको यहाँ जोड़ना। क्या क्या कार्यक्रम? 4 दिवसीय कार्यक्रम का एक तरह से पीले चावल बांटकर आगाज हुआ है। 9 से 13 जनवरी तक ये कार्यक्रम होना है बीकानेर में और देखने वाली बात ये होगी कि पर्यटकों की संख्या इस बार कितनी बढ़ पाएगी। के सिंह, सहारा समय, बीकानेर।